एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें तीन रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें ये क्लासिफाई करना है कि इनमें कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा इरैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें ये भी बताना है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस तरह का होगा, हमें ये भी बताना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन डेसिमल एक्सपेंशंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम जो पार्ट वन है उसको लेते हैं, 43.12345678 9। और ये हम देखते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम देखते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन विल फॉर्म रैशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर फॉर्म करेगा। और इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, अगर हम मान लेते हैं कि पी वाई क्यू जो है वो इक्वल है 43.12345678 9, तो इसका जो डिनोमिनेटर यानी क्यू होगा वो होगा 10 to the power 9। वो इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद में 9 डिजिट्स हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। और अब आइए हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है जो कि कुछ इस तरह से है, 1200 1200 1240 1240 and on so। और ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये तीन डॉट्स ये शो करते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग भी नहीं है क्योंकि सेम पोजीशन पर कोई सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम ये लिखेंगे, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनसे इरेशनल फॉर्म होते हैं। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इस तरह से हमने देखा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर के होते हैं। और अब आइए हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, 43.12345678 9। और यहाँ पर एक बार गिवन है, ये बार ये शो करता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन बार बार रिपीट होगा, यही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, इसलिए दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनसे रैशनल नंबर फॉर्म होता है, दिस डेसिमल एक्सपेंशन विल फॉर्म रैशनल नंबर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द होल क्वेश्चन। थैंक यू।